प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे संविधान में हमें साथ बांध रखने की शक्ति है। भारत के संविधान पर दो दिवसीय विशेष सत्र में हुई चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री ने अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस देश का निर्माण राजा महाराजाओं ने नहीं किया है, बल्कि देश की करोड़ों जनता की मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए न्याय सुलभ होना चाहिए और इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अरुण जेटली ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान लोगों से जीने का अधिकार छीन लिया गया था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से भारत में लोकतंत्र है और डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान के निर्माता ही नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। सरकार ने आज लोकसभा में आश्वासन दिया कि सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में बना रहेगा और इसे संशोधित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर कल शुरू हुई चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सेकुलर शब्द संविधान में था, संविधान में है और संविधान में रहेगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि वे कैसे विद्वान थे जो कानून के साथ साथ सामाजिक मुद्दों की समझ भी रखते थे। वहीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने फायदे के लिए संविधान में संशोधन को गलत करार दिया। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST विधेयक के संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पारित होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि 32 में से 30 दल इसके समर्थन में हैं। सरकार को इस महत्वपूर्ण विधेयक पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि वह विधेयक को लेकर उसकी चिंताओं को दूर करते हुए उसे साथ लेकर चलना चाहती है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के लिए $1 अरब के प्राइवेट इक्विटी फंड बनाने पर विचार कर रही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि साल 2018 तक 5000 स्ट्रीट लाइटों और 77 करोड़ बल्ब को बदल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनियमितताओं के मद्देनजर बेंगलुरु में सदानंद गौड़ा को आवंटित भूखंड रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है। बेंच ने कहा कि भूखंड का आवंटन वैध है। सदानंद गौड़ा और अन्य भाजपा नेताओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें बिल्डिंग प्लान के विरुद्ध जाकर 5 मंजिला इमारत के निर्माण पर प्रश्न उठाए गए थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। वीरभद्र सिंह और उनके सहयोगियों को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एजेंसी के समक्ष पेश होना है। इससे पहले ईडी ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था। उच्चतम न्यायालय ने टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूछताछ के लिए पूर्व दूरसंचार मंत्री और द्रमुक नेता दयानिधि मारन को 7 दिन के लिए CBI के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दयानिधि मारन को 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक CBI के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को अंगदान के प्रति जागरूक बनना चाहिए। नई दिल्ली में 6th भारतीय अंगदान दिवस पर JP नड्डा ने कहा कि समाज में फैली भ्रांतियों और अंधविश्वासों को मिटाना जरूरी है ताकि लोग अंगदान करने के लिए आगे आएं। JP नड्डा ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप देने के लिए भी सभी से सक्रिय सहयोग का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि भारत को साल 2040 तक सालाना 9 लाख करोड़ रुपए ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि ग्लोबल एनर्जी डिमांड में किसी दूसरे देश की तुलना में भारत का योगदान अधिक रहने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमान का आकलन करें तो भारत को अगले 25 सालों में कुल 225 लाख करोड़ रुपए सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में निवेश करने होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुए 35वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रभावी और गुणवत्ता के उत्पादों का निर्माण करने के लिए भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की जरूरत है जिससे भारतीय कंपनियों को बड़े बाजारों को खोजने में मदद मिल सके। फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद रूस और फ्रांस इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के खिलाफ समन्वित हमले करने के लिए राजी हो गए हैं। पुतिन ने कहा है कि मॉस्को सकारात्मक विपक्षी समूहों पर बमबारी करने से बच सकता है। भारत की PV संधु मकाऊ ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में
पीवी सिंधु ने चीन की चेन यू फेई को 21-13, 18-21, 21-14 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष वर्ग में बी साई प्रणीत अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए हैं। उन्हें मलेशिया के गो सून हुआत ने 21-16, 21-23, 21-13 से शिकस्त दी। भारत ने नागपुर में हुए तीसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 124 रन से मात दी। इस श्रृंखला की समाप्ति के साथ ही आर अश्विन साल 2015 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।